हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सर। जो आपकी सर आज मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, आपके अलावा कई और उसमें अग्रणी लोग थे, उसका थ्रस्ट और फोकस क्या था, उसमें क्या सुझाव दिए और क्या निर्णय हुए, अगर आप शेयर कर सकें। तो सौरभ, आज जो मीटिंग हुई थी आज दोपहर को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसके अंदर सभी स्टील प्रोड्यूसर्स थे, उसके अंदर JSW सजन जी थे, उसके अंदर स्टील अथॉरिटी की चेयरपर्सन थी सोमा मंडल जी, आर्सलोर मित्तल निप्पॉन स्टील के मिस्टर उमन थे उसके अंदर, और टाटा स्टील के MD मिस्टर नरेंद्रन थे, मुकेश अंबानी जी भी थे उसके अंदर। तो जो बाकी जो ऑक्सीजन के निर्माता हैं वो सब सभी लोग थे, और सभी ने जो है प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया कि हम देश के अंदर ऑक्सीजन की हम कमी नहीं आने देंगे, अगर हमारे प्लांट की हमें प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टील बनाने के बिजनेस में हैं, तो स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो अब जो है हम वो उस ऑक्सीजन को, और ज्यादातर जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में होती है, गैसियस ऑक्सीजन है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन जो है कम बनती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास स्टोरेज के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है और जितनी लिक्विड ऑक्सीजन मैक्सिमम बना सकते हैं, तो सभी ने विश्वास दिलाया कि हम सब जो है अपनी मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन लिक्विड ऑक्सीजन की, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां जितने जितने टैंकर हमें उपलब्ध हो रहे हैं हम उनको जो है ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। इसके अंदर स्टील मिनिस्ट्री भी एक अहम भूमिका निभा रही है कि देख करके कौन कौन से स्टील प्लांट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास के इलाकों के अंदर भी आप नहीं सुनेंगे कि उड़ीसा के अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी है या छत्तीसगढ़ के अंदर कोई कमी है ऑक्सीजन की। तो हम अपने आसपास के इलाकों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, और अभी जो है दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद तेलंगाना के अंदर, जहां जहां JSPL को जिम्मेदारी दी गई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भिजवाएं। इसमें जरूर टैंकरों की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे 2-3 दिन में जो है मुझे लगता है कि इसका असर दिखने लगेगा, और जो ऑक्सीजन की जो एकदम जो आज कमी महसूस हो रही है वो कमी मुझे लगता है कि वो कम हो जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो एक कमी महसूस की जा रही है, फिर भी नवीन जी ये बताया जा रहा है कि भारत देश में ऑल टुगेदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, शायद वो जिस जगह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या सरप्लस है वहां उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी बाकी जगहों पर जरूरत है। क्या आप ये बता सकते हैं हमको कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री और मेडिकल यूजेज के बीच में, ये कैसे किया गया है और कितने अनुपात में है? देखिए, ये मेरे लिए कहना जो है ये मुझे इसका नहीं मालूम, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग तो ऑक्सीजन लगाते हैं स्टील बनाने के लिए जी, इस बिजनेस में नहीं है कि हम ऑक्सीजन को दूसरों को सप्लाई करें या दूसरों को बेचें, हम तो अपने स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन क्योंकि आज देश में ये आपदा है, तो उसके लिए जो है JSPL ही नहीं, सभी कंपनियां जो है आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं अपना योगदान देने के लिए कि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। तो इसलिए ये जो महामारी इतनी फैली और इतनी ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ी, ये कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक ही बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है। तो उस चुनौती का कैसे हम सामना करें, तो जैसे आज मीटिंग के अंदर ये आया कि ट्रकों को जो है, जो टैंकर जो कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उनको एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाए और कोई भी उनको रस्ते में रोके ना, उनको जो है ताकि वो जल्दी पहुंचे, जल्दी अपनी ऑक्सीजन खाली करें और फिर वापस लौट करके आए, ताकि दोबारा भर के दोबारा उसको भेज सकते हैं। तो इसमें बहुत से सभी लोग जो है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और सौरभ जी जल्दी ही जो है ये स्थिति जो है मैं समझता हूँ कि बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।